बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी तहलीम सलीम कसीरी। हाउ आर यू स्टूडेंट? आई होप सो यू आर ऑल्सो फाइन, सेफ एंड स्टे होम एज वेल। एज यू नो, टुडे इज़ योर आईसीटी क्लास ऑनलाइन विद स्मार्ट कंप्यूटिंग क्लास 4। आज आपका थर्ड सेशन है क्लास 4 का। तो लास्ट आपकी जो क्लासेस थी उसके अंदर आपने रीडिंग की थी और एक होमवर्क मैंने आपको दिया था, तो उसी के मुताबिक हम चलेंगे। पहले जो आपका होमवर्क था उसे मैं टैली करवाऊंगी एंड देन आपको फिर मैं कॉपी वर्क की तरफ लेके चलूंगी। तो सबसे पहले अपनी बुक ओपन करें और आपकी बुक का पेज नंबर है पेज नंबर 188। ओके, पेज नंबर 88 की तरफ आ जाए। सही, पेज नंबर 88 में आपने सबसे पहले आज की डेट मेंशन करनी है। आज की जो डेट है वो है 25 जनवरी 2021। ठीक है, इसके बाद है आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ आ जाए। इसे कहते हैं डिवाइड का सेशन। ठीक है, ठीक है, डैश इज द साइन ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो ये क्या डिवीजन सैम्पल है। ठीक है, इस सैम्पल को हमने डिवीजन सैम्पल कहते हैं। सही, तो डिवीजन कहेंगे। यहाँ पे टिक लगाने के बाद आपने यहाँ पे राइट करना है। देन क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2, डैश कमांड डिस्प्ले द रिजल्ट इन कंप्यूटर विंडो। कौन सी कमांड है जो आपके कंप्यूटर विंडो पे रिजल्ट हमें डिस्प्ले करती है। ठीक है, तो प्रिंट कमांड है। कौन सी प्रिंट कमांड है जिसके ज़रिए आपकी कंप्यूटर विंडो पे रिजल्ट जो है शो होता है। यहाँ पे टिक लगाने के बाद आपने यहाँ पे राइट करना है। नंबर 3, डैश कमांड डिस्प्ले द रिजल्ट इन ड्राइंग एरिया। कौन सी कमांड है जिसके ज़रिए आप ड्राइंग एरिया में आपका जो रिजल्ट है वो शो होता है, तो वो लेबल कमांड है जिसके ज़रिए आपके ड्राइंग एरिया में रिजल्ट डिस्प्ले होता है। टिक लगाने के बाद यहाँ पे लाजमी राइट कीजिएगा। नंबर 4, डैश सैम्बल। ठीक है, ये सैम्बल किसका सैम्बल है ये बताना है, किस लिए इस्तेमाल होता है, तो डिवीजन के लिए, डिफरेंस के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये सैम्बल आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे टिक लगाने के बाद आपने लाजमी से राइट करना है। ठीक है, आई होप सो आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरीके से काम किया होगा जो मैंने ये होमवर्क आपको दिया था। सही, तो ये आपका जो होमवर्क था मैं अभी आपको टैली करवा चुकी हूँ। अब हम मूव करते हैं आपके कॉपी वर्क की तरफ। तो जल्दी से अपनी कॉपी निकालें और ओपन करें। सबसे पहले इंडेक्स की तरफ मूव करेंगे। सही, लास्ट आपकी जो वर्किंग थी इस तरीके से कम्प्लीट हो चुकी होगी कि आपने इंडेक्स बना लिया था, हेडिंग भी अच्छी थी, आ चुकी थी इसकी सेकेंड असेसमेंट की, और अब हम न्यू काम स्टार्ट करेंगे। सही, ये सारा काम प्रीवियस साहब का सही कम्प्लीट हो चुका है। आज हमारा न्यू वर्क है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, ब्लू कलर से राइट करना है चैप्टर नंबर 3, क्योंकि फाइनल टर्म के जो 2 चैप्टर थे वो हम कर चुके हैं। CHB चैप्टर नंबर 3। ओके, इस तरीके से ब्लू कलर से राइट करते हैं और फिर डेट मेंशन करेंगे। सही, डेट क्या है, आज की जो डेट है वो है 25th, लेकिन जो अब आपकी जो वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है इस चैप्टर की जो रीडिंग थी वो थी 18th से, तो यहाँ आपने कैलेंडर राइट करना है 18th जनवरी 2021। सही, और फिर यहाँ से स्टार्ट लेना है। ओके, स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पे चैप्टर का जो नाम है, जी हम चैप्टर का नेम राइट करेंगे, तो चैप्टर का नाम है लोगो कैलकुलेशन। सही, तो यहाँ हम राइट करेंगे लोगो, LOGO लोगो, कैलकुलेशन CALCULATION लोगो कैलकुलेशन। सही, आज हम इसके क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने राइट कर देना है क्वेश्चन आंसर। सही, अब हम मूव करते हैं इस पेज की तरफ जहाँ पर हमें ये वर्किंग करनी है। ओके जी, तो चलते हैं हमारे पेज की तरफ। सबसे पहले आपने यहाँ पे हेडिंग मेंशन करनी है, एक पेज की यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी। ठीक है, और इसी के बिल्कुल सामने वाले पेज पे आपने क्या करना है, वर्किंग करनी है। तो साथ साथ हमने ब्लू कलर पिक करें, यहाँ पे राइट करें कैलकुलेट चैप्टर CHP चैप्टर नंबर 3, और फिर लिखेंगे यहाँ पे लोगो, LOGO लोगो कैलकुलेशन, CAL कैल
सी यू कैल्कू एल ए टी आई ओ एन एस लोगो कैलकुलेशन चाहे तो करेंगे तो पेंसिल एक ब्लू कलर लें और साथ में स्केल को रखें और सीके से अंडरलाइन करते जाएं। सही ऐसे ही होता है कि काम थोड़ा आपका जो अट्रैक्टिव लगता है। अगले पेज पे जाते हैं और यहाँ पे आपके बिल्कुल सामने वाले पेज पे। ओके तो यहाँ तक हमारी वर्किंग कंप्लीट हो चुकी थी। अब हमें यहाँ पे हेडिंग के बाद यहाँ पे हमारा कॉपी का पेज है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने क्या करना है कि वर्किंग स्टार्ट करनी है। यहाँ पे मिड में लिखेंगे सेंटर में क्वेश्चन आंसर ब्लू कलर से। ओके क्यू यू ई एस टी आई ओ एन एस क्वेश्चन ए एन एस डब्ल्यू ई आर एस क्वेश्चन आंसर, ठीक है। इसके बाद आपने इसी ब्लू कलर से यहाँ पे राइट करना है क्वेश्चन नंबर वन, सही। और फिर आपने यहाँ पे लिख देना है डेट, आज की डेट है 25th January 2021। आज का डे है मंडे, एम ओ एन डी ए वाई मंडे। और आज क्लास वर्क हम कर रहे हैं तो यहाँ क्लास वर्क मेंशन कर देंगे, सही। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर वन यहाँ राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन है नेम, एन ए एम ई नेम, द टी एच ई द नेम द मैथमेटिकल एम ए टी एच ई एम ए मैथ में टी आई सी ए एल मैथमेटिकल ऑपरेशंस ओ पी पी ई आर ए टी आई ओ एन एस ऑपरेशंस विच डब्ल्यू एच आई सी एच विच कैन बी सी ए एन बी ई विच कैन बी परफॉर्म्ड P E R F O R M E D performed using U S I N G using logo L O G O logo commands C O double M A N D S commands okay question mark। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में ये बात पूछा जा रहा है कि आपने क्या बताना है कि आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस के नेम बताने हैं जो लोगों के अंदर लोगों कमांड्स के अंदर परफॉर्म मतलब टास्क किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको उन मैथमेटिकल ऑपरेशंस के नेम बताने, तो इसकी हम रीडिंग कर चुके थे, आई होप सो आपको ये अब तक याद होगा। तो कौन कौन से फोर ऑप्शंस ऑपरेशंस हैं, एडिशन से सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड आंसर हम यहाँ राइट करेंगे एक लाइन का गैप देख के। तो ब्लू कलर आप लोग पिक कर लें और यहाँ राइट करें ए एन एस आंसर, सही। इसके बाद आपने ये करना है, आंसर लिखने के बाद आपने पेंसिल को पिक करना है और यहाँ पे आंसर राइट करना है। ओके तो आप यहाँ से आंसर स्टार्ट करेंगे कि देयर आर द टी एच ई आर ई देयर ए आर ई आर T H E the there are the four F O U R four mathematical M A T H E M A T I C A L mathematical operations O P E R A T I O N S operations, ठीक है। There are the four mathematical operations, number वन, ठीक है। तो नंबर वन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे राइट करना है वन, ओके सही नजर आ रहा है।
सही, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वन। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन है? सबसे पहले एडिशन, ए डबल डी आई टी आई ओ एन, एडिशंस। इसके बाद आएगा ब्लू कलर, आपने राइट करना है यहाँ पे ब्लू कलर से। नंबर टू सब्ट्रैक्शन, एस यू पी टी आर ए सी टी आई ओ एन, सब्ट्रैक्शन। अगेन ब्लू कलर पिक करें, थ्री और फोर एक साथ लिखते हैं, सही। अब लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन, एम यू एल आई सॉरी एम यू एल टी आई मल्टी पी एल आई प्ली सी ए टी आई ओ एन, मल्टीप्लिकेशन। नंबर फोर डिवीजन, डी आई वी आई एस आई ओ एन, डिवीजन। ओके, ये फोर नेम्स हैं, ठीक है। इसके बाद एक लाइन का गैप देकर लिखना है क्वेश्चन नंबर टू, सही। क्वेश्चन नंबर टू है नेम टू कमांड्स, कौन सी कमांड्स? नेम टू कमांड्स, ओके। ए एम ई नेम, टी डब्ल्यू ओ टू सी ओ डबल एम, ए एन डी एस कमांड्स, विच डब्ल्यू एच आई सी एच विच आर यूज टू ए आर ई आर यू एस ई डी यूज टी ओ टू आर यूज टू परफॉर्म पी ई आर एफ ओ आर एम, परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। एम ए टी एच ई एम ए टी आई सी ए एल, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ओ पी ई आर ए टी आई ओ एन एस, ओके। तो यहाँ पे ये है कि अब आपने पहले यहाँ पूछा गया था ऊपर के ऑपरेशंस का नेम बताना है जो लोगो कमांड में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि नेम टू कमांड विच आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। अब उन ऑपरेशंस के नाम बताने हैं जिसके ज़रिए ये ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। किन किन कमांड्स के ज़रिए हम इन ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, तो अब उनके नाम लिख लें, ठीक है। तो अब यहाँ पे आंसर की हेडिंग आ जाएगी ए एन एस, ठीक है, ए एन एस। और आंसर है इसका टू डी टी ओ टू डी ओ डू टू डू एम ए टी एच मैथ ई एम ए टी आई सी ए एल, टू डू मैथमेटिकल कैलकुलेशन सी ए एल सी यू एल ए टी आई ओ एन एस। इसके बाद है कैलकुलेशंस इन आई एन इन लोगो एल ओ जी ओ लोगो, यू कैन यूज वाई ओ यू सी ए एन, यू कैन यूज यू एस ई यूज प्रिंट पी आर आई एन टी print and a n d and label l a b e l label command c o double m a n d s command, ओके। तो आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं पे एंड की जाती है कि दो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, ठीक है। इसके आंसर करवा दिया और समझा भी दिया है कि मैथमेटिकल फोर ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, और इसको इनको जो कमांड इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, वो कौन से दो होती हैं? लेबल और प्रिंट कमांड होती हैं, सही। अच्छा, अब आपने ये करना है कि आपने घर से नेक्स्ट क्वेश्चन आपने राइट करना है। नेक्स्ट कौन सा? क्वेश्चन नंबर थ्री को आपके नेक्स्ट पेज पे राइट करना है, तो उसका नेक्स्ट डे मैं आपको आंसर करवाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह हम अपनी अगली क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।